जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर डीआरडीओ अपना धूम धड़ाका शुरू कर चुका है और यहाँ पर कल हमने आपको ये खबर दी थी कि बहुत ही जल्द डीआरडीओ दो नई मिसाइलों को यहाँ पर परीक्षण करने वाला है। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये दोनों मिसाइलें बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की होने वाली है, साथ ही इनकी जो मारक क्षमता है, साथ ही इनकी जो पावर है, वो बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर दी गई है। और दोस्तों, आज एक बार फिर से डीआरडीओ ने यहाँ पर अपना नोटम जारी कर दिया है और ये नोटम बे ऑफ बंगाल में जारी किया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर नोटम का मतलब काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे, उनके लिए मैं बता दूं कि नोटम वार्निंग एक ऐसी जानकारी होती है जो साझा की जाती है। और यहाँ पर यह बताया जाता है कि इस एरिया में जब तक ये नोटम जारी किया गया है और जिस डेट के लिए, जिस टाइम के लिए ये जारी किया गया है, उस टाइम के अंतर्गत कोई भी एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर यहाँ पर नहीं गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पर एक मिसाइल का परीक्षण होना होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि बंगाल की खाड़ी में भारत बहुत ही जल्द एक क्रिटिकल और सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। और ये दोस्तों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण मिसाइल है कि जैसे इसको भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया जाएगा, उसके बाद भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि खास करके ये मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए बनाई जा रही है। और इसका दोस्तों आप अंदाजा इसकी रफ्तार से लगा सकते हो, ये लगभग 4.5 मैक की स्पीड से उड़ती है। और आपको बता दें कि ये आवाज की रफ्तार से करीब 4.5 गुना तेजी से उड़ती है, और इसका मतलब होता है कि 5600 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये उड़ती है। और दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि ये मिसाइल कितनी ज्यादा खतरनाक दुश्मन के लिए होने वाली है। ऐसे में दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे दो ही दुश्मन हैं, एक पाकिस्तान है और दूसरा चाइना। खास करके जो मिसाइलें अभी भारत बना रहा है और जिन पर काम कर रहा है, वो सारी की सारी मिसाइलें चाइना को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। और दोस्तों, इसकी जो रेंज रखी जा रही है वो करीब 160 किलोमीटर रखी जाएगी, लेकिन ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ये मिसाइल जमीन से नहीं बल्कि फाइटर जेट से दागी जाएंगी। और ऐसे में कोई मैटर नहीं करता कि ये मिसाइल कितनी मारक क्षमता की है, क्योंकि जब भी किसी भी टारगेट को हिट करना होता है तो हमारा जो फाइटर जेट है उसमें ये मिसाइल इनबिल्ट की जाती है और उसको जहां पर भी कोई टारगेट किया जाता है उस टारगेट के पास जाकर इसको छोड़ना होता है। और ऐसे में मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि ये कितने आवेग से अपने टारगेट को हिट करती है और वहां पर कितनी तबाही मचाती है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और वही देखा जाता है। वैसे दोस्तों, आपको बता कि भारत जितनी भी अपनी मिसाइलों की रेंज बताता है वो हमेशा उससे कई ज्यादा रेंज की होती हैं। हालांकि दोस्तों, डीआरडीओ इसका तीसरा वेरिएंट भी बना रहा है और उसकी जो रेंज है वो करीब 350 किलोमीटर रखी जाएगी। और दोस्तों, यही तो क्वालिटी है डीआरडीओ के अंदर कि वह अपनी मिसाइलों को लगातार अपग्रेड कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा रेंज और ताकत बढ़ा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी मिसाइल है जिसकी बात मैं इतनी देर से कर रहा हूं। तो आपको बता दें कि ये मिसाइल है अस्त्रा मार्क 2। और आपको बता दें कि ये मिसाइल सबसे ज्यादा क्रिटिकल मिसाइल थी और इसको बनाना काफी ज्यादा क्रिटिकल था, क्योंकि दोस्तों इस मिसाइल की जो कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं, खतरनाक हैं। और इस तरह की जो मिसाइलें हैं वो बहुत ही कम देशों के पास है, उनमें से आप ले सकते हैं कि अमेरिका के पास है, रशिया के पास है। एयर टू एयर मिसाइल बनाना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है, इसका मतलब होता है कि आप लड़ाकू विमान से दुश्मन के लड़ाकू विमान को इसी मिसाइल से टारगेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, ऐसे में कई सारे देश हैं जिनके पास मिसाइलें तो हैं, एयर टू एयर मिसाइल आज तक नहीं बना पाए हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही इसका जो टेस्ट होगा वो भी काफी ज्यादा क्रिटिकल होगा। और एक बार अगर भारत इसको सफलतापूर्वक टेस्ट कर लेता है तो जो हमारी वायुसेना है उसके पास बहुत ही जबरदस्त कैपेबिलिटीज वाली ये मिसाइल एड हो जाएगी और इसके साथ ही हमारी वायुसेना की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही दोस्तों, जो अभी हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर मिसाइल को लेकर वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी, बल्कि खत्म हो जाएगी, क्योंकि कई सारी मिसाइलें वो भारत ऑलरेडी बना चुका है और इस तरह की एयर टू एयर मिसाइल भारत के पास अभी तक नहीं थी। और ऐसे में अगर भारत इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लेता है तो भारत एक बड़ी शक्ति को यहाँ पर हासिल कर लेगा, साथ ही भारत यहाँ पर पैसा भी बचाएगा और टाइम भी बचाएगा, साथ ही किसी अन्य देश से भारत को फिर इस टाइप की एयर टू एयर मिसाइल लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो कि अक्सर ही हम रशिया और दूसरे देशों से लिया करते थे। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।